सो मैं पूजा के लिए हो गई हूँ रेडी। तो अभी सब लोग आए नहीं है तो यहाँ पे कुछ लोगों का भी और वेट किया जा रहा है। गाइज़ वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल होम डायरी। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मैं अभी आई हुई हूँ अपने मायके और आज है पूजा जो कि मेरे बेबी यानी रियांश के लिए मेरी जो मॉम है उन्होंने रखी हुई थी। पिछले 2 साल से वो बहुत डिले चल रही थी तो मैं अभी घर आई तो वो सोच रही थी कि क्यों ना इस पूजा को अभी कर देते हैं, क्योंकि जब भी मैं घर जाऊँगी ना तो पता नहीं कि एक टाइम होता है उस पूजा का, सुहगली जिसको बोलते हैं उस टाइम पर होता है। तो सुहगली पूजा होगी एंड खाना पीना तो हमारा बन गया है। एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने और खाने की क्लिप बनाई थी बट वो डिलीट हो गई, हमें को मिल नहीं रही थी तो वो मैंने ऐड नहीं की है। और मैं हो गई हूँ रेडी। तो यहाँ पे मैंने सीधा पल्ला लिया हुआ है क्योंकि आपको आपका जो सामने का जो पल्लू है उसमें आपको ओली लेना होता है, जो भी वो प्रसाद आपको देते हैं थोड़ा थोड़ा। तो जो मुझे थोड़ा थोड़ा चीज़ें मिली हैं यहाँ पर वो मैंने पहन ली, क्योंकि मैंने कोई भी चीज़ अपनी यहाँ पर ले के नहीं आई थी। मेरी सारी चीज़ें ससुराल में या जहाँ मैं रहती हूँ पुणे वहाँ रहती हैं, तो जो मुझे मेरी मॉम का मिला वो मैंने पहन लिया। सारी छोड़िए, सारी मेरी है, वो मुझे मेरी मॉम ने दी हुई है। एंड ये यहाँ पे पूजा की जो तैयारियाँ हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। बेसिकली इस पूजा में होता क्या है कि सारी जो सुहागने होती हैं उनको आपको यहाँ पे सुहागली खिलाना होता है, यानी कि मिठाई वगैरह की क्वांटिटी होती है, फिक्स क्वांटिटी होती है कितनी क्वांटिटी में आप लोगों को ये चीज़ें देनी है, चना गुड़ और मीठा यहाँ पे देते हैं। सारी सुहागने आती हैं और उनको आप श्रृंगार भी देते हो, 16 श्रृंगार जो आपके पास होता है, जो जो चीज़ें आप दे सकते हो आपकी इच्छा के अनुसार है, आपकी के अनुसार है आपके पास क्या है, कितनी व्यवस्था आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरी मॉम ने 14 लोगों को खिलाया हुआ है। 7-7 का जोड़ा होता है कि अगर आप किसी के लिए एक सुहागली करते हो तो वो 7 की होनी चाहिए, मतलब 7 सुहागन खाती हैं। तो यहाँ पे 14 सुहागनों को मम्मी ने किया हुआ है, क्योंकि 7 तो ऑलरेडी उन्होंने रियांश के लिए की हुई थी, 7 उन्होंने और ऐड कर दिया हुआ है, क्योंकि हमारे घर में ये चीज़ें मतलब होती रहती हैं बट बीच में भी थोड़ा सा बंद था मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से और घर में कोई था भी नहीं तो वो करती नहीं और हम लोग का ही वेट करती रहती हैं कि हम लोग जाएँ वो ये सारी चीज़ें कर पाएँ। तो अभी पूजा में मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि पूजा रियांश के लिए है और एक सुहागली जो है अभी वो दीदी के लिए, यानी कि मेरी जो बड़ी सिस्टर है उनके लिए है, तो वो नेक्स्ट टाइम जब भी हम आएंगे वो उनकी होगी तो पूजा में वो बैठेंगी। यानी कि 2 लोग आपको पूजा में चाहिए होते हैं, एक तो जो सुहागली करवाते हैं और एक और होना चाहिए, यानी कि 7-7 के जोड़े में जो होते हैं। तो 7 मतलब मम्मा खुद बैठी हुई हैं और 7 मेरे लिए जो है वो मैं बैठी हुई उनके लिए। यहाँ पे प्रॉपर कहानियाँ बताई जाती हैं, तो ये जो आंटी हैं ये बहुत अच्छी कहानी कहती हैं, इनको बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आती हैं और मैंने 2-4 कहानियाँ इनसे लिखवा भी ली है कि इनकेस जब भी मैं खुद से करूँ पुणे में तो मेरे को कहानी आनी चाहिए प्रॉपर। मुझे पूजा की जो विधि है वो पता है बट कहानी थोड़ा सा नहीं आती, मेरे को भूल जाती है, कुछ कुछ याद है बट वो मैंने लिख ली है। तो यहाँ पे जो आपको पूजा का प्रसाद दिया जाता है उस प्रसाद को आपको यहीं पे पूरा ख़त्म करना होता है और तुरंत पानी पीना होता है और प्रसाद थोड़ा भी नहीं गिरना चाहिए, यानी कि जो चने होते हैं ना वो एक दाना भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। जिसका भी चना नीचे गिरता है उसको वापस से ये सुहगली कर बिना खा के जाएंगे और सब अच्छे से पूजा पाठ जब हो जाएगी तो सारे लोगों को हम लोग जो है सुहाग देंगे। एक्चुअली क्या हुआ था, क्लिप कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा मिस है, पूरी क्लिप तो नहीं हो पाई क्योंकि वीडियो बनाने के लिए कोई भी नहीं था, सारे के सारे लोग हम लोग पूजा में बैठ गए थे और बाकी लोग कोई था नहीं कि जो वीडियो बनाए। तो जो भी थोड़ा थोड़ा वीडियो लोगों ने निकाला था मैंने उसका छोटा छोटा सा क्लिप दे दिया है। जब भी मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई पूजा करूँगी या जब भी मैं मायके जाऊँगी, पूजा होती है तो मैं उसका एक अच्छा सा प्रॉपर वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोग भी मुझे कॉमेंट पर ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ क्या इस तरह से पूजा होती है और अगर ऐसी होती है या ये पूजा होती है तो किसी और दूसरे तरीके से भी आप लोग क्या पूजा करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने यहाँ पे ओवर वॉइस की हुई है क्योंकि उस टाइम पे मैं अगर आपको वॉइस करके देती वीडियो में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं सुनाई देता। सो अभी पूजा पाठ खत्म हो गया, मैंने चेंज भी कर लिया, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना MP में कि मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी होती है। और अभी मैं जाऊँगी खाना खाऊँगी और तुरंत जाके सोऊँगी क्योंकि कल मुझे निकलना भी है वापस पुणे के लिए।
और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा जो पूजा का लुक था वो आपको कैसा लगा एंड मेरी साड़ी जो है वो आपको कैसी लगी। मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सुटाटा एंड टेक केयर।